हाय दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप सब ने तो अमेज़ॉन का नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों, मैं अमेज़ॉन ऐप की बात नहीं कर रहा, बल्कि अमेज़ॉन जंगल की बात कर रहा हूँ, जिसे आप अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। अमेज़ॉन दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन यह हमारे भारत देश के क्षेत्रफल से भी ज़्यादा बड़ा है। इंसान ने सबसे पहले अमेज़ॉन वर्षावन में कदम आज से लगभग 11,200 वर्ष पूर्व रखा था। अमेज़ॉन वर्षावनों का वास्तित्व लगभग 5,500 करोड़ से भी पहले है। दोस्तों, अगर अमेज़ॉन जंगल को एक देश घोषित किया जाए तो यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होगा। अमेज़ॉन वर्षावन का क्षेत्रफल लगभग 21 लाख वर्ग मील है, जिसकी अधिकांश भाग यानी 60% भाग ब्राज़ील में आता है, पेरू में 13% और अन्य देशों में जैसे कि कोलंबिया, वेनेजुला, इक्वेडोर और बोलिविया, गुयाना, सुरीनाम और फ्रेंच गुयाना में आता है। अमेज़ॉन वर्षावन में दुनिया की 10% से ज़्यादा प्रजातियों के जीव जंतु पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 200 से ज़्यादा प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। 40,000 पौधे एवं 25 लाख कीड़े की प्रजातियां यहां पाई जाती है। विश्व में पाए जाने वाले 10 में से 1% अमेज़ॉन जंगलों में पाए जाते हैं। विश्व की 20% ऑक्सीजन अमेज़ॉन के वर्षावनों से उत्पादित होती है। दोस्तों, विश्व का सबसे खतरनाक और बड़ा सांप एंडाकोंडा भी यही पाया जाता है। लगभग 3,000 प्रजातियों की मछली या अमेज़ॉन नदी में निवास करती है। दोस्तों, वैसे तो यहाँ साल भर वर्षा ही होती है, पर बरसात के दिनों में अमेज़ॉन नदी का रूप बेहद ही भयानक होता है। उस समय नदी लगभग 190 किमी तक चौड़ी हो जाती है। अमेज़ॉन में निवास करने वाले अधिकतर निवासी शहरों या कस्बे में रहते हैं, लेकिन ब्राज़ील में 240 जनजाति आज भी अमेज़ॉन के जंगलों में निवास करती है, जो ब्राज़ील के कुल आबादी का केवल 0.4% है। सरकार ने ऐसे 690 इलाकों का पता लगा लिया है जहां आदिवासी निवास करते हैं। अमेज़ॉन वर्षावनों में सूर्य की किरणें धरती तक पहुँच ही नहीं पाती, इसलिए अधिकतर जंगल का भाग अंधेरे में डूबा रहता है, जबकि केवल 1% सूर्य की किरणों कहीं कहीं ट्री कैपिनोपे से धरती तक पहुँचने में सफल हो पाती है। दोस्तों, पेरू के इक्वेडोर सिटी विश्व का सबसे बड़ा ऐसा शहर है जहां तक पहुंचने के लिए रोड मौजूद नहीं है, इसलिए इसे सीक्रेट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह अमेज़ॉन वर्षावनों के बीच काफ़ी दुर्गम इलाके में बसा हुआ एक शहर है, जिसकी आबादी 4 लाख से ज़्यादा है। ब्राज़ील की अमेज़ॉन नदी 4 किमी नीचे एक अंडरग्राउंड नदी बहती है, जिसकी लंबाई तो अमेज़ॉन जितनी है, लेकिन चौड़ाई हज़ारों गुना अधिक है। दोस्तों, अमेज़ॉन नदी का नाम इस वर्षावन के नाम से ही रखा गया है। यह वर्षावन के बीच से होकर गुजरती है, इसे अमेज़ॉन का ऑक्सीजन भी कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 6,400 किमी है। अमेज़ॉन नदी आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी 1100 से ज़्यादा सहायक नदियां और जिनमें से 17 नदियां 1000 मील से भी ज़्यादा लंबी है। आपको जानकर तबज्जा होगा कि इतनी बड़ी नदी होने के बावजूद इस नदी के ऊपर कोई भी पुल मौजूद नहीं है। असल में कारण यह है कि वृक्ष यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और वहाँ जाना ही बहुत मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पर कोई पुल वुल नहीं है। दोस्तों, अमेज़ॉन जंगल के बीच एक ऐसी नदी है जिसमें उबला हुआ पानी बहता है। जी हाँ दोस्तों, और उसके गहराई तक जाने की अभी तक किसी भी व्यक्ति या साइंटिस्ट की हिम्मत नहीं हो चुकी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता हूँ। जय हिंद।